जो निष्कर्ष आया है वो सबसे बड़ा कोरोना को जो कोविड की जो गाइडलाइंस उनका पालन करना, और दूसरा वैक्सीनेशन को अधिक से अधिक कैसे हम इसको बढ़ाएं। तो इसके लिए तो मैं तो एक तो सबसे पहले अपील ही करना चाहूंगा सभी लोगों से अधिक वैक्सीनेशन के लिए सारी जो हमारे सरकारी विभाग हैं, एनजीओ हैं, सामाजिक संस्थान हैं या और भी जो डिपार्टमेंट्स हैं वो अपने यहाँ काम करने वाले लोगों के लिए, दूसरे प्राइवेट सेक्टर के लोगों से भी मैं अपील करना चाहूंगा कि वो अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करें। दो चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा सर, कि जो रेस्टोरेंट्स होटल्स की बात है जो आई है कि ये जो है टाइमिंग्स और जो है उसमें बैंक्वेट हॉल में और ये शादियां ना हो, मैं भी इस बात से सहमत हूँ। केवल रूम डाइनिंग जो होटल्स हैं उसमें रूम डाइनिंग ही अलाउ किया जाए, जो रेस्टोरेंट्स में जो खाना सर्व होता है वहां मैं खुद देखा है, अभी मैं एक जगह जाके आया था तो वहां इतनी भीड़ रहती है और ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का उन रेस्टोरेंट्स के या होटल्स के जो डाइनिंग हॉल है या उनमें पालन होता ही नहीं है। तो अगर केवल रूम डाइनिंग जो वहां रहते हैं रूम में उनके लिए केवल रूम डाइनिंग अलाउ की जाए, रेस्टोरेंट मेरा ये मानना है कि आने वाले कुछ समय के लिए 15-20 दिन के लिए जहां की बहुत ज्यादा गैदरिंग होती है, ढाबे हैं, इनको थोड़ा सा स्ट्रेक किया जाना चाहिए। तीसरा जो स्कूल्स का मामला है, अभी मैं देख रहा था और सारा स्कूल्स की जो मैं लाइव भी देख रहा था तो राय आ रही थी कि 8वीं के स्कूल्स तक जो है बंद कर देने चाहिए, लोग मैं लाइव पर देख रहा था अभी, तो उस रूप में सर मेरा मेरा एक सुझाव है कि 8वीं का हमें डिसीजन लेना चाहिए बच्चों को वैसे ही प्रमोट करने का जो वर्क बुक के आधार पर जो परीक्षा चल रही है बजाय एग्जामिनेशन कराने के, हमें इस पर भी विचार करना चाहिए। क्योंकि एक जो प्रवृत्ति आई है कि जब से कोचिंग स्कूल्स कॉलेजेस को खोला है और मोबिलिटी जो है 18 से 35 साल 45 साल वाले लोगों की ज्यादा होती है घूमने की फिरने की, तो उसमें अब भारत सरकार की गाइडलाइंस है कि उनको तो वैक्सीनेशन लगा नहीं रहे, जबकि हमारा ये मानना है कि 18 से लेकर के 45 से 50 साल वाले को पहले वैक्सीनेशन करना चाहिए जिससे कि वो दूसरे को प्रभावित ना करें। तो मैं तो कहना चाहूंगा सर आपकी तरफ से प्रधानमंत्री जी को भी उनको भी केंद्र सरकार को एक पत्र जाना चाहिए कि अब समय आ गया है, मोबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है तो 18 वर्ष से ऊपर वालों को भी वैक्सीनेशन होना चाहिए। और एक जो बिल्कुल सही है कि शादी विवाह समारोह ओपन में ही अलाउ करने चाहिए और रेस्ट्रिक्टेड नंबर्स के साथ। टोटली जो वैंक्वेट हॉल की शादियां विवाह हैं जो वैंक्वेट हॉल के अंदर या हॉल के अंदर जो खाने का सर्व करते हैं वो तो टोटली बंद कर देना चाहिए, ये मेरा सजेशन है। लास्ट में भी कहना चाहूंगा सर कि राजस्थान में जिस तरह से हम आपके नेतृत्व में काम चल रहा है ये सफल जब ही हो पाएगा जब जनता का और सभी लोगों का सहयोग मिलेगा। मैं भी अंत में सभी लोगों को जो लाइव देख रहे हैं उनसे अपील करना चाहूंगा कि वैक्सीनेशन अधिक से अधिक कराएं। धन्यवाद।